मेरा अपनी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी कटहल की सब्जी, जिसके लिए मैंने 750 ग्राम कटहल ले लिया है। वैसे तो छील के दिया सब्जी वाले ने, लेकिन मैं इसको और अच्छे से छील लूँगी, इसका गुदा ये सारा उतार दूँगी और ये अंदर से भी निकाल दूँगी और इसको काट लूँगी। इसको इस तरह से बारीक बारीक काट लूँगी। कुछ लोग मोटा मोटा भी काटते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं तो बारीक काट के जब बनाती हूँ इस तरह से सारा काट लेंगे। छील सारा हमने छील लिया है, इस तरह से हम बारीक बारीक काट लेंगे। बीज देखिए हमने काट लिया है। और हमने हम एक चीज़ दिखाना भूल गए, ये हमने तेल ले लिया था और इसको इसे छुरी पे लगाने से, हाथों पे लगाने से तो ये चिपकता नहीं है, दूसरे ये जल्दी कट जाता है क्योंकि कटहल थोड़ा टाइट होता है, इसलिए तेल लगा के छुरी अच्छे से काट देते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 3 प्याज काटनी है बड़ी मीडियम साइज़ की, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1/2 चम्मच मेथी दाना है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच 7 से 8 हरी मिर्चें हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं, 4-5 लौंग, 8-10 काली मिर्चें हैं और 1 चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच से कम हल्दी है, 1 चम्मच पीसी हुई मिर्च है और ये 2 टमाटर हैं जो हमने बारीक बारीक काट लिए हैं। आप अपने हिसाब से जैसा चाहो काट सकते हो। ऑन करके कढ़ाई रख ली है हमने। हम इसमें पहले थोड़ा सा तेल डाल देंगे, 1 चम्मच से कम हो चुका है। हम इसमें इसमें से प्याज डाल लेंगे, थोड़ी सी बचा लेंगे मसाले के लिए और इसको फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें कटहल डाल के फ्राई करेंगे। ज़्यादा नहीं करेंगे, इनको हल्का ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा हो चुका है, ज़्यादा नहीं करा हमने, अब इसमें हम मेथी दाना डाल देंगे, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें कटहल डाल देंगे, कटहल डाल देंगे हम इसमें। हमने इसको 2 मिनट निकाल लिया है छान के पत्थर में। इसे हम तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसको अलग फ्राई करके अलग निकाल लेंगे। चार से पाँच मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर इसको अलग निकाल लेंगे। अभी तो हम फ्राई अच्छे से कर रहे हैं इसको। अब हमने इसे अच्छे से 5 से 7 मिनट हमने फ्राई कर लिया है। हम इसे इस प्लेट में निकाल लेंगे और मसाला चढ़ाएंगे। मसाला निकाल लेंगे हम। अब हम इसी कढ़ाई में मसाला चढ़ा लेंगे। 1 चम्मच के करीब हम इसमें तेल डाल देंगे, बड़ा तेल गर्म होने देंगे। इसमें भी डाल देंगे दालचीनी, गरम मसाला, लौंग, काली मिर्च। अब इसमें ये प्याज डाल देंगे, अन्य ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम टमाटर डाल देंगे, इसमें सूखे मसाले भी डाल देंगे सभी, और इनको भी अच्छे से भून लेंगे 2 मिनट के लिए। अब इसमें 1 कटोरी पानी डाल देंगे और 10 मिनट तक मसाला भून लेंगे और इसको ढक के रख देंगे, 20 मिनट में चलाते रहेंगे। मसाला हमारा भून चुका है, अब हम इसमें कटहल डाल देंगे। देखिए मसाला भी बहुत अच्छा भून गया है, तेल अलग छोड़ दिया है। कटहल जो फ्राई किया है अब हम ये उसमें डाल देंगे मसाले में। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे हल्की आंच पर छिन करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए हमने इसको बीच बीच में चेक कर लिया है, इसे 1/2 घंटा से ज़्यादा हो गया है पकते पकते, अभी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे।
चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं, देखिए कितना अच्छा अच्छा बना है, खिला खिला, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए तैयार है हमारा गर्मा गर्म कटहल, आप भी बनाएं, ट्राई करें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।